हमारे साथ है आरआर जी, वेल आप तो समझ ही गए होंगे, रघु, राजीव एंड गौहर। वेल बहुत पहले ही गौहर आपने दे ही दिया था हमको कहीं ना कहीं हिंट कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जब हमने रणवीर जी के साथ आपका पहला लुक देख लिया था। कहीं ना कहीं हम आपको बहुत पूछते थे कि क्या है क्या है क्या है, लेकिन आपने आज डिस्क्लोज कर ही दिया है। वेल इन रियल लव व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हो रहे हैं कि क्या है लव। तो हमने बहुत सारे तरीके में देखे, बहुत सारे शोज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में देखे, बट व्हाट इट इज IRL इन रियल लव, एक ऐसी लव। आज प्यार हर कोई ढूंढता है, टाइम की शुरुआत से हर कोई प्यार ढूंढ रहा है, मगर प्यार ढूंढने के तरीके बदल चुके हैं और बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, चाहे वो आप रियल लाइफ में देखें या ऑनलाइन डेटिंग एप्स में देखें। बट ये कंफ्यूजन ज्यादा है, ज्यादा ऑप्शन, जैसे गौर कहती है ज्यादा ऑप्शन से ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इस कंफ्यूजन को कम करने की एक कोशिश है IRL इन रियल लव। इस जमाने में जिस तरीके से आप प्यार ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से हम भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रास्ते जाना चाहिए मंजिल पाने के लिए। एक मैं फिल्मी उदाहरण दे देता हूँ। तो आमिर खान का पहला फिल्म ऐसे हीरो था कयामत से कयामत तक, ठीक है। वो एक दो ठाकुर खानदानों के बीच की टकरार और बीच में दिस थिंग, उस टाइम पे वो रेलेवेंट था। आज वो बहुत ही एलियन है, राइट। सेम आमिर खान की लव स्टोरी अगर आप दिल चाहता में देखेंगे, वो अपग्रेड हो गया था, ओके। वो आजकल के यूथ की जबानी आ गई थी, सो वो ज़्यादा रिलेटेबल है हमारे लिए, करेक्ट। सो जो आप कहते हैं बहुत सारे रोमांस रियलिटी शोज देखे हैं, वो एक टीवी के माहौल से आई है, ठीक है, और उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब हम अपग्रेड कर रहे हैं, अब हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं या कंटेम्प्रराइज कर रहे हैं कि आप आजकल के जो डेटिंग इथॉस है, ऑनलाइन डेटिंग और रियल लाइफ डेटिंग, उसकी कहानी। वेल गौर, जब आपको पता चला ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट और आप भी इसके एक हिस्सा है, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था? सबसे पहले तो रिएक्शन में एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि रघु और राजवीर है, क्या ऐसा कोई रिएक्शन देखने मिला था जो हमें रूडीज में देखने मिलता था? नहीं, एक्चुअली जब मुझे कॉल आया कि यू नो मुझे कंसिडर किया जा रहा है, एंड ऑफकोर्स एक छोटा सा एक मेरे हिसाब से वो स्क्रीन टेस्ट टाइप ऑफ था, इनके हिसाब से दे जस्ट वांटेड टू वाइब चेक मी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा खुश भी थी और नर्वस भी थी, क्योंकि अब तक मैं आई थिंक बहुत बार बता चुकी हूँ और हर बार बताऊंगी ये कि मैं इन दोनों की भी और रणवीर जी की भी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। इन दोनों की खास तौर पे इसलिए क्योंकि मुझे रियलिटी टेलीविजन या रियलिटी फॉर्मेट इतना ज्यादा पसंद है शुरू से ही, तो मैंने इनका हर एक शो भी फॉलो किया है, इनकी पर्सनालिटीज फॉलो की है, इनकी सोच मुझे इंट्रीग करती थी और मुझे गुस्सा भी आता था कई बार, और यू नो एज अ व्यूअर आई कनेक्टेड विद देम सो मच दैट साल जब बीते गए और मैं थोड़ा पॉपुलर होती गई, काम मुझे मिलता गया एंड आई स्टार्टेड हैविंग अ रेलेवेंस फॉर माय सेल्फ, मैं सिर्फ देख रही थी यार मैं इनके साथ क्यों नहीं काम कर पा रही हूँ, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ कॉल, आई एम लाइक फेमस एंड आई नो आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड ऑल, बट वो कहीं वो एक जद्दोजहद कि आई विल वर्क विद देम एंड आई हैव टू वर्क विद देम। इनफैक्ट आई डोंट इवन नो रणवीर इफ ही रिमेम्बर्स दिस, one of the years wo he was we were I think it was right after my Big Boss when I had won, and in that party itself he said you know are this year I'm going to suggest ke, you know you should be one of the judges with us, so like what like really, and I kept waiting ki am jo call aayega mujhe ye hoga I'll meet Raghu Raji, I met him but it was just like you know aise din nazar mili hai whatever hi whatever common mere dil mein aise hota tha ki yaar kaun hai mere saath, लेकिन वो आया वो दिन आई मेट राजीव एंड ऑफ कोर्स आई वाज सच अ बिग फैन आई वुड ओनली कॉल देम राजीव सर एंड रघु एंड इवन ड्यूरिंग द शूट आई ऑलवेज ओनली कॉल देम सर बिकॉज आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन एंड फॉर व्हाट देयर माइंड एक्चुअली क्रिएट्स, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड फॉर्मेट तो ऑफ कोर्स इनका क्रिएशन है, हम सिर्फ मैं और रणवीर जी तो सिर्फ एक जैसे यू नो डायरेक्शंस इसलिए कहूंगी क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं थी,
ऐसे नहीं था कि अभी आप आएंगे ही बोलेंगे चलो वेलकम एंड हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग ऐसे तुमने ऐसे क्यों किया था नो वी वर जस्ट टोल्ड कि दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर इन एंड नाउ यू टेक इट लाइक यू प्ले अलोंग दैट आई वुड से यू नो the kind of hosting that is required on our shows is a very elite kind of hosting okay it's a niche I cannot get a MC over there MC will have many things to do but over here he can't do anything can't hamare host se kuch zaruratein hamare kuch conditions meet honi chahiye bahut kam logon mein hota hai bahut kam and shayad humne dhoonda nahi dhang se ya humne dhoonda actually पर हमें वी नेवर हैड दैट स्पार्क यू नो विद अ फीमेल कैंडिडेट और अ पर्सन और एंकर ऐसा कोई स्पार्क नहीं मिला आई मीन यू कैन जस्ट वर्क एट इट इट हैज टू बी देयर एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर थिंकिंग अबाउट ऑन दिस शो कि वेल दिस रिक्वायर्स समबडी यू नो हु इज नॉट फ्रॉम अ यूथ रियलिटी होस्टिंग अ डेटिंग शो एनवायरमेंट येट who can fulfill everything in our niche and be our voice our eyes our ears and our emotions on the show you know and it was a tremendously long and arduous and detailed intense search for such a person but yes if it wasn't as I've told her if we hadn't found you if we hadn't found the person टोनालिटी बदल जाती कहानी बदल जाती बट ऐसा नहीं है कि अगर गौहर नहीं मिलती तो कोई और आ जाती है मेरे ख्याल से नहीं होता शी क्रिएटेड अ स्पेस फॉर हरसेल्फ यस वेल गौर इंटरव्यू के समय क्या कुछ आपसे टास्क करवाया गया था हम इतने बदनाम हैं कि कोई कहता है मेरे को रघुराज मिले गालियां दी ऐसे पूछते हो तुम मुझसे पूछने वाली हो मुझे पता है Did you first one of you prank me or one day when you were very upset or something like that? Was it you? No, I remember vaguely. Right? Yes, you came and told me Raghu something they did with me. I literally was scared. कि कुछ हुआ है क्या? But no, they've been so fun. इतना मजा. In fact, by the way, episode one जब हमारा खत्म हुआ and I had a flight back to catch and my staff was like, "Ma'am, चलो ये वो हम ये कर रहे थे whatever." I said, one second, how can I not have a picture with Raghu? Because तब तक हमने एक फोटो भी नहीं खींची थी बस आगे शो पे आगे होगी ये हो रहा है वो रहा है I was being so professional, ये सब हो रहा है I wore my track pant. I said, "Hold on." You know, गाड़ी वाड़ी पे घुसो. फिर वो दिल्ली की धूप में I have ran out of the van and I was like, again they had to continue their shoot. वो तो चल ही रहा था, so I could see कि ये लोग मतलब थोड़े, you know, जैसे होता है set पे थोड़ा serious environment होता है, ये हो जाए वो जाए. I was like, one second. I went up to, I remember Karishma or somebody, and I said, "Will they be angry if I ask for a picture?" And she was like, "No." And I was like, Then I still have that in fact I'm going to post it on Instagram. Oh, that'd be nice. Yeah, but they are trying to be their element. ऐसे वो ऐसे गुस्से गुस्से कर रहे and I'm sitting like oh I need it. I'm going to post that. Oh, I'd like to see that. Well, साथ ही एक और confusion है क्यों सिर्फ चार ही contestant? Okay, पहली बात contestant नहीं है cast members है ये competition नहीं है ये show और सिर्फ चार लोग ही नहीं है हमने आपके अभी तक आपके सामने सिर्फ चार लोगों को रखा है क्योंकि जो इन सब की ये आपस में देर ऑल डेटिंग लोगों को रियल लाइफ में भी चैट मिल रहे हैं और ऑनलाइन में भी चैटिंग हो रही है ठीक है तो बहुत सारे काफी और लोग हैं एंड उनको आप मिलेंगे ना दे आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल इन इसने 10 महीने पूरे इंडिया में छाने तब जाके एक एक को निकाला है इट्स अ बेस्ट कैप सीक्रेट जब आप ये शो देखेंगे ना दीज पीपल हु वी कॉल देयर कनेक्शंस इन चारों के कनेक्शंस दे will blow your mind yeah. they will take over the show I'm telling you itne interesting log hai aur inki kahani itni interesting hai to ek to dating reality shows ko na ek dating ya love competition ki tarah dekhne ki aadat hai wo aadat se hatna padega aur ise ek love story ki tarah dekhni padegi it is a quest for love which is a timeless quest but it is in today's time which is unique in its virtual versus real life conundrum
जैसे कि हर शो में हम देखते हैं कहीं ना कहीं एलिमिनेशन होता है, दो में से तीन कुछ, नो एलिमिनेशन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नो टास्क, नो एलिमिनेशन, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट गैम्बल वी टुक, बट अभी आप देखो ना, द स्टोरी गेट्स बेटर बिकॉज़ देयर इज नो एलिमिनेशन. इन फैक्ट इवन एज द होस्ट, बिकॉज़ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द एपिसोड, आई थिंक यू नो कैसी चीजें कैसी गई हैं आगे. लेकिन जो हमारे बिना शूट करते थे ना ये लोग, हमें इतनी ज्यादा एंग्जाइटी होती थी कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज यू नो वेयर हैव दीस गाइस टेकन द स्टोरी, यू नो हाउ आर देयर डेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दिस वन इज वॉच ऑन देम सी व्हाट. And I, as a host, am the most excited to watch them because even I don't know ki unki journeys kaise, you know. But you haven't seen it. Of course, I was not there to like watch it. Yeah. They have created such beautiful dates. मतलब ऐसे ऐसे locations पे ले गए इन लोगों को कि ऐसा लगेगा कि यार, why did Z take me to this place? Why did you know that's gonna happen? Watch it, really. So I am dying to watch IRL. I think India में dating जो है ना वो भी update हो जाएगी, dating की updating कर रहे हैं, because people will say यार ये फिल्में club और restaurant तो एक चीज है, but look at the kind of dates that are happening. Well, गौर जहाँ डेटिंग की अगर बात आती है, अगर आपके लाइफ की बात करें, कहीं ना कहीं वो चैटिंग से फर्स्ट टाइम मिलना, क्या कुछ याद है while doing this whole concept? Yeah, in fact, it's so relatable क्योंकि जब इन्होंने कहा कि ऑनलाइन वर्सेज यू नो ऑफलाइन तरीकों को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या सूट होता है, आई कुड कम्प्लीटली रिलेट टू इट बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में पहले से यू नो लोगों को मिलते आई हूँ या कुछ रिलेशनशिप्स हुए हैं मेरे लाइफ में, तो वो एक ऑफलाइन तरीके से हुए थे कि मिले आप, ओके अच्छे लगे, ओके वहां से कहानी आगे बढ़ी. यहाँ पर मेरी खुद की लाइफ में आई हैव मैरिड समवन जिन्होंने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया, एंड दैट बिकेम माई फॉरएवर, दैट बिकेम माई कहानी, एंड दैट बिकेम माई ट्रूथ. सो आई एम टेलिंग यू इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बट फॉर पीपल हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट वेट you know love is actually मतलब आपको कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा, या अगर आपको गलत फहमियां भी हैं तो I think these ये show के through IRL के through आपकी काफी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, पढ़ने क्लियर हो जाएंगे. बिल साथ ही आप दोनों से भी जानना चाहेंगे, जैसे कि Tinder का भी इसमें कोलैप्स है, तो जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ छोड़ के क्या आपने कभी ऐसे फेक अकाउंट बना के कभी किसी को मैसेज किया है? सो ये जो कास्टिंग का था ना, तो हमने आपने बताया टिंडर के साथ हमने टाई अप किया था, तो ऑब्वियसली देखना होता है कैसे होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है राजीव वो बनाना है प्रोफाइल, ठीक है जी. मैं खोला टिंडर, डाउनलोड हो गया, अब मेरी ना एंग्जाइटी बढ़ रही है, अपने आप ही अपना नाम लिखो. मैंने अजीब सा नाम लिख दिया, ठीक है फोटो डालो, फोटो नहीं डालता, ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं होगा होगा ही नहीं, मैं अपने डिटेल, अब पता नहीं क्या, यू अंडरस्टैंड, आप यू आर ओपनिंग अ पेंडोरा इन माय हेड, इट इज सच अ इट इज इंटिमिडेटिंग वर्ल्ड फॉर मी. बट फिर ये करते हुए ऑब्वियसली वी हैव टू टेस्ट पीपल ऑन देयर ऑनलाइन फ्लर्टिंग एबिलिटी एज वेल टू कास्ट देम, यस. So, उसके लिए then I created a Bible and a training module to train, I hired people who will engage with them in a slightly for do's and don'ts वगैरह, and I through that exercise I think I have now gained a fresh perspective and a fresh confidence. I think I now can become a very good dating app. इस शो के लिए हमने एक्चुअली एक खुद का डेटिंग ऐप बनाया है, मीट क्यूट, इट्स कॉल्ड मीट क्यूट, और वो इस शो में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बन गया है, और यू विल आप ना ये देख के आपको लगेगा कि सारे डेटिंग ऐप्स ऐसे क्यों हैं, और क्या पता जल्द आपके फोन्स में आप डाउनलोड कर सकते हो, क्या पता हो सकता है. सो इस शो के लिए हमने कभी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाया तो नहीं है, मगर इस शो के लिए हमें उस दुनिया में घुसना पड़ा, और इस दुनिया में से हमने खुद का एक ऐप भी बनाया. यू हैव टू वॉच द शो, यू विल एंजॉय इट आई होप. बिल गौर आपसे जानना चाहेंगे, रणवीर जी तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको देखते थे स्प्लिट्सविला में, वो एक होता है ना कॉन्सेप्ट स्टोरी में कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भड़काना या फिर देखना कि उनके क्या रिएक्शंस होते, क्या इस शो में भी ऐसा कुछ देखने में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हम ना किसी को भड़का रहे हैं, ना उनको भटका रहे हैं, ना उनको सीधी लाइन पे ला रहे हैं. लोग बोलेंगे हम ये शो क्यों देखें, मगर यू विल बी सरप्राइज्ड एट द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट विल कम आउट इफ व्हेन यू जस्ट लेट इट हैपन. या एंड हम
कहानी का से अलग नहीं है, हम कहानी का एक हिस्सा है, जहाँ पर हम उनकी बातें एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर भी कर रहे हैं, बट नॉट लाइक अ पर्सन जो हम यू नो हम कहेंगे कि हमें गाइड करना है तो तुम्हें एडवाइस देनी है, ये नहीं, बट एज अ फ्रेंड यू नो, एंड दैट स्पेस इज वेरी रियल. आपको जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपको अपने यू नो माँ बाप की तरह कहे हमने ऐसा किया था. यू डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड दैट, वी डोंट रिलेट टू दैट राइट नाउ, बट वी डू रिलेट टू अ फ्रेंड्स हार्ट ब्रेक, और वी डू रिलेट टू अ पर्सन going through the same experience as you are. So those kind of things, us space mein main aur Ranvijay hain and we've really enjoyed it. Gauhar, Ranvijay aur Meet Cute characters hain show mein, theek hai? Bahut hi interesting characters hain, unka unique ek role hai aur ek unique aapka aap ise inhe ek unique tarike se dekhenge. Usually kya hota hai, hum zyada shoot karte hain, usually channels काटते जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही बन गया है. नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर नहीं, हमें और चाहिए, we want this again and again and again because they enjoyed watching it so much. So we were initially planning to do like a 8-9 episode thing, but I am very happy to announce that we have 10 episodes of IRL in Real Love on Netflix and it's releasing on the 6th of April. So imagine उसी से मालूम पड़ता है कि how much you know amazing content we had that the platform really just loved it. Yeah, well ek aakhri sawal, abhi idhar aane se pehle maine social media pe dekha ki all the 3 hours are standing and kahin na kahin wo Gauhar ke bump pe se haath rakh ke, that picture is like so amazing. Yeah, on our promo studio where all of yeah. Gauhar, what you want to say when baby is going to come, what all things are you going to share, when all the memories are you going to yeah share? I'm just going to tell him or her that we made it, you know, the RRR is now soon going to be GRRR, which is GRRR. So I'm sure he or she will be very proud of my manifestation skills that I made this happen. I think ye show release ho raha hai kal, aur because of this show I hope best case scenario bata raha hu, log sochte na what is the worst that could happen, I'll tell you what is the best that could happen. Because of this show, because of watching this show, people level up their dating game. Right. There is a lot more love in the world now, and hopefully, a baby will come in a world which has a lot more love in it than there is now. Amen. That's the best that could happen. Yes. Well, lastly, what you would like to say to all the viewers? They are very excited for tomorrow, 6th April. प्यार ढूंढते रहो और enjoy the process. Okay, and watch the show and enjoy watching it, binge it. That's for all of us. And also, jitne bhi Ranvijay ke fans hain aur Gauhar ke fans hain, and they have massive fan, and jaise Rahul bola, jis tarah se they are inspired or affected by this. It's the first time we're seeing them together. Yay! We are joining two formidable forces in this, and I'm very excited to know, to experience with you, with the viewers, this crazy, fresh dynamic, you know, in the world of love. Right. Yeah. All the best. Thank you so much. Please watch In Real Love. Thank you so much. Thank you.